SLS एंड पैराबिन फ्री पिछले कई सालों तो काफी ज्यादा ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स से इस चीज में काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहे हैं, बट SLS और पैराबिन होंगे कि नहीं, और कि हमें यूज करना सच्ची और अंडा माड़ा है या सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केटिंग स्टंट है। I've done some digging, so we'll find it out in this video. Make sure to stay till the end. सत श्री अकाल एवरीवन, दिस इज बलविंदर सिंह हियर बैक विद येट अनदर वीडियो। सो इफ यू गाइस लाइक माय कंटेंट, सब्सक्राइब वुड बी ग्रेट एंड मेक श्योर टू चेक आउट माय अदर वीडियोस टू। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सल्फेट्स। डिफरेंट तरह के सल्फेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम लोरेथ सल्फेट, सोडियम लोरल सल्फेट, अमोनियम लोरेथ, बट इन्हों का मेन काम है झग बनाना, और यह हर उस चीज़ यूज़ किया जाता है जिसे झग बनती हो या फिर जिन्हों सफाई लिए यूज़ किया जाता। सपोज अपने साबुन हो गए, अपने फेस वॉश हो गए, अपने डिश वॉश बार्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, या फिर अपने बॉडी वॉशिज हो गए, एवरीथिंग जड़ी भी चीज़ का काम साफ करना या किसी चीज़ को डर्ट और ऑयल रिमूव करना वे यूज़ किए जाते हैं। एंड मोर ओवर इन्हों उ भी यूज़ किया जाता जिते हैवी मशीनरी साफ करनी हो, बहुत ज़्यादा ग्रीस हटानी हो किसी मशीनरी तो, बट ये जी क्वानिटी आ हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग रखी जाती है। हुण ये नुकसान यह आ कि डर्ट और ऑयल के नाल नाल साडी स्किन और हेयर से जोड़े नैचुरल ऑयल्स होंगे उन्होंने भी रिमूव कर देता है, बट जोड़े नैचुरल ऑयल्स ने साडे स्किन और हेयर हेल्थ लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ने। सो शुड वी रियली स्विच टू सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स? वैल सी, अगर हूँ तक थोड़ा थोड़े पुराने प्रोडक्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आ, कोई इशू नहीं आ रहा, तो यू शुड स्टिक टू दैम। बट हाँ, अगर थोड़ी स्किन काफ़ी ड्राई है या फिर थोड़े बाल जड़े आ ड्राई रहते हैं या फिर सेंसिटिव स्किन आ, दैन यू शुड डेफिनेटली स्विच टू सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स। एक बार यूज करके देखो एंड अगर इंप्रूवमेंट नजर आती है तो डेफिनेटली कंटिन्यू। वैल, अगर कोई प्रोडक्ट सल्फेट फ्री आ तो फिर वो चक किए बनूगी और साफ किए करूँगा, दैन ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं माइल्ड सर्फेकेंट्स या फिर नैचुरल सर्फेकेंट्स, जिन्हों का साड़ी स्किन या बाल से कोई भी नैगेटिव इफेक्ट नहीं होता। वैल जस्ट लाइक दिस बियर्ड वॉश आई यूज हेयर, it says cruelty free, sulfate free, paraben free and 100% veg. well I'm not gonna eat it. ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੋਰਲ ਸਰਕੋਸਿਨੇਟ ਐਂਡ ਕੋਕਾਮੇਡੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬਿਟੇਨ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਆਫ ਸਲਫੇਟਸ। ਵੈਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਸ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਹੇਅਰ, ਇਟ ਸੇਜ਼ ਪੈਰਾਬਿਨ ਫਰੀ, SLS ਸਲਫੇਟ ਫਰੀ, ਕਰੁਅਲਟੀ ਫਰੀ ਐਂਡ 100% ਵੀਗਨ। ਵੈਲ ਇਸ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੇਕਾਇਲ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ which is a plant based natural surfactant and cocamidopropyl betaine, so they are actually good and safe for skin and hair. Well, sulfates are covered, now let's move on to parabens. Parabens are preservatives. Inna use kitta janda sade cosmetics, food products, dawaiyan ch taki inna di shelf life vadh jave aur inna nu bechan layi zyada time mil jaye। इन्हों को यूज़ किया जाता इन्हों की एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ करके, ताकि जो प्रोडक्ट्स ने उन्हें बैक्टीरिया और फंगस ना बने और प्रोडक्ट्स ज़्यादा देर तक टिके रहन और प्रोडक्ट्स में कोई नुकसान ना हो, बाकी उन्होंने यूज़ करने वाले हो जाए तो कोई चक्कर ना। आज की डेट से काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ गए हैं पैराबेंस के, बट कंपनीज स्टिल यूज़ चीप पैराबेंस बिकॉज दे आर चीप एंड हैंस मोर प्रॉफिट्स। सो मेरे पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स जरा चीप पैराबेंस का अल्टरनेटिव यूज़ किया होया ए फिनोक्सी इथेनोल मेरे बियर्ड वॉश चा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई फेस वॉश, ए यूज़ किए हुए स्पेक्ट्रोस्टेट विच आर फार फार बैटर, सो फार आई एम गुड। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, अगर तुम नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अज तक, दैन इट्स अप टू यू टू स्विच टू सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स और नॉट। बट हाँ, अगर थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम आ या ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ तो डेफिनेटली एक बार स्विच करके वेखो। मेरे जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तुम उतों परचेज कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि थोड़ी थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होनी इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन मैसेज भी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, थोड़ा रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सत श्री अकाल।